हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। टुडे वी लर्न क्लास टू कंप्यूटर। लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3, आउटपुट डिवाइस। हम अभी इसमें देखने वाले आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। द आउटपुट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर। इट कैन बी इन टर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, इमेजेस और यूज्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एंड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन साइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर आउटपुट रिजल्ट। देखिए, आउटपुट क्या होता है, जो हमें कंप्यूटर से मिलता है रिजल्ट, जो प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं आउटपुट। आउटपुट कोई भी हो सकता है, कोई भी टर्म में हो सकता है, जैसे नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं या इमेजेस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड टू नंबर्स, देखिए आपको यहाँ पे करना है टू नंबर्स को ऐड करना है। इनपुट आपने क्या किया, 5 6 प्लस 5 प्लस 6, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड नंबर। देखिए, ये जो आपने डेटा किया है उस पर कहाँ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड नंबर इज डन बाय द एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे इसमें प्रोसेस होगी आउटपुट। द रिजल्ट इज डिस्प्ले एज नंबर 11 ऑन द आउटपुट डिवाइस इन अ रीडेबल फॉर्म। देखिए, इस पर प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद हमारे सामने आएगा आउटपुट, जो कि आंसर होगा 11। ये कहाँ आएगा, आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा इसके लिए, हमारा मॉनिटर, जो एक रीडेबल फॉर्म में आता है, मतलब हम रीड कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आर द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और प्रिंट्स द आउटपुट और रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। देखिए, आउटपुट क्या होता है, जब आउटपुट जो है कंप्यूटर का हिस्सा है, पार्ट है, जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है, जो भी हम टाइप करते हैं, इनपुट करते हैं, उसे हमें रिजल्ट, उसका रिजल्ट बताता है, प्रोसेसिंग करके रिजल्ट बताता है। मतलब इनपुट पे जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जब हमारे सामने आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। मॉनिटर और प्रिंटर जो है बहुत कॉमन, मोस्टली कॉमन आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट हम देखेंगे मॉनिटर्स। मॉनिटर्स इज एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जो कहाँ डिस्प्ले करता है आउटपुट, मॉनिटर स्क्रीन पे। इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द डेटा प्रोसेस्ड फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में जो प्रोसेस होते हैं उसके बाद जो आउटपुट होता है वो हमें दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहा जाता है। मॉनिटर विच डिस्प्ले द इमेजेस इन टू कलर, ब्लैक एंड वाइट, आर कॉल्ड मोनोक्रोम मॉनिटर। देखिए, जब मॉनिटर ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर में आपको दिखता है, इमेजेस बताता है, जो कंप्यूटर आपको टू कलर्स में इमेजेस बताता है उसे क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कंप्यूटर, जो पहले होते थे। मॉनिटर्स कैन ऑल्सो डिस्प्ले द इमेजेस फ्रॉम 16 to over 1 million इन डिफरेंट कलर। सच टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर कॉल्ड कलर्ड मॉनिटर्स। जो मॉनिटर 16 to over 1 million इन डिफरेंट कलर, 16 to 1 million उससे ज़्यादा कलर हमें बताता है, जिस अलग अलग कलर में हमें इमेज बताता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, वो मॉनिटर को क्या कहा जाता है, कलर्ड मॉनिटर। मॉनिटर कैन बी ऑफ डिफरेंस टाइप्स एंड वेरियस साइज। देखिए, मॉनिटर जो होते हैं वो अलग अलग साइज में, अलग अलग टाइप में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए, 14 मॉनिटर, 17 मॉनिटर, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, LCD मॉनिटर, ये जो है अलग अलग मॉनिटर के टाइप्स हैं। द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर, द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रिंट्स द इमेजेस एंड द टेक्स्ट ऑन द पेपर। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें एक पेपर पे प्रिंट करके बताता है, कोई भी टेक्स्ट इमेजेस होती है कंप्यूटर में से वो प्रिंट कर देता है हमें। द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द पेपर बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। जो आउटपुट हमें प्रिंटर से एक पेपर पे मिलता है उसे क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी। देखिए, जो मॉनिटर से हमें मॉनिटर व्यू करता है, डिस्प्ले करता है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और जो पेपर पे निकल के प्रिंट होके आता है उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर द प्रिंटर्स दैट
प्रिंट्स टेक्स ओनली इन ब्लैक कलर आर कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स। देखिए प्रिंटर जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में आपको कॉपी निकाल के देता है, प्रिंट करता है पेपर पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में, उसे कहा जाता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स। द प्रिंटर्स दैट प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन कलर आर कॉल्ड कलर प्रिंटर। और जो प्रिंटर की कलर में आपको प्रिंट करके बताता है उसे कहा जाता है कलर प्रिंटर। नेक्स्ट प्रिंटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड क्वालिटी एंड प्राइस। अलग अलग तरह के प्रिंटर जो है उसमें अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, किससे रिलेटेड, उसके स्पीड से, क्वालिटी से और प्राइस से रिलेटेड अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। आपको यहाँ पे कुछ प्रिंटर्स दिखाई दे रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। तो ये क्या है प्रिंटर के टाइप है, इंकजेट। स्पीकर, स्पीकर क्या है, स्पीकर आर एन आउटपुट डिवाइस, अ माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड एंड स्पीकर आर यूज फॉर लिसनिंग टू साउंड। देखिए माइक्रोफोन जो होते हैं वो साउंड रिकॉर्ड करने में जैसे यूज़ होते हैं, वैसे ही साउंड स्पीकर से हमें लिसन सुनने में क्या यूज़ होता है, सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ होता है, इसलिए ये कौन क्या है आउटपुट डिवाइस है। दे आर ऑल्सो यूज टू लिसन टू म्यूजिक डायलॉग्स ऑफ अ मूवी और अ रिकॉर्डेड वॉइस। ये किस लिए यूज़ होता है, और म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ होता है, डायलॉग सुनने के लिए मूवी मूवी के डायलॉग सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, और जो रिकॉर्डेड वॉइस है वो सुनने के लिए भी माइक्रोफोन का स्पीकर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्पीकर ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज व्हेन अ सिंगल पर्सन वांटेड टू लिसन टू समथिंग ऑन द कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। देखिए स्पीकर जो है वो हेडफोन टाइप में भी आता है, हेडफोन जो होते हैं हेडफोन टाइप में। देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, एक जो किंड है वो स्पीकर पे हेडफोन यूज़ करके म्यूज़िक सुन रहा है। तो हेडफोन का यूज़ किस लिए होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए, एक ही इंसान उसे एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। अगर आपको कंप्यूटर से कोई म्यूज़िक सुनना है विदाउट डिस्टर्बिंग तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, एक प्रिंटर का टाइप है। अ प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है लाइक अ प्रिंटर। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव एन आउटपुट ऑन द पेपर। प्रिंटर की तरह लाइक अ प्रिंटर, प्रिंटर की तरह ये आपको आउटपुट देता है पेपर पे। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले लार्ज ग्राफिकल आउटपुट ऑन द पेपर। लार्ज ग्राफिकल आउटपुट मतलब जो पोस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो किस में होता है प्रिंट, प्लॉटर में। प्रिंटर में साइज़ आती है A4 साइज़ या उससे थोड़ी बड़ी, पर प्लॉटर जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं ग्राफिकल आउटपुट्स देता है, बैनर के लिए प्लॉटर यूज़ होता है। लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ आउटपुट डिवाइस। आपको जो ये आउटपुट डिवाइस दिखाई दे रहे हैं उसे कलर करना है। फर्स्ट कौन सी है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर, इन्हें आपको कलर करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड क्रॉस द ऑड वन आउट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए आपको जो है ये जो तीनों में से पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसमें से अलग कौन सी है उसे क्रॉस करना है और उसका रीज़न देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, यहाँ पे है कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो इसमें से अलग कौन सा है, कीबोर्ड, क्यों, उसका रीज़न क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और ये दोनों जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे CPU, कीबोर्ड एंड माउस। तो मैंने CPU पे यहाँ पे क्रॉस किस लिए किया है, रीज़न है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, बाकी जो कीबोर्ड और माउस है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर का, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में है स्पीकर, देन प्लॉटर एंड माइक्रोफोन। तो मैंने माइक्रोफोन को कट किया है क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। 4 नंबर का है मॉनिटर, स्कैनर एंड लाइट पेन। तो इसमें से मैंने क्रॉस किया है मॉनिटर को क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है और ये दोनों जो हैं वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल लेटर टू फॉर्म करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्ल्यूज प्रोवाइडेड। देखो आपको क्ल्यूज दिए गए हैं इसे जंबल से राइट करने के लिए, जंबल वर्ड को आपको सीधे स्पेलिंग में लिखना है। देखिए यहाँ पे जंबल किया हुआ है TRPRINE, आपको क्ल्यू दिया है टू क्यू आउटपुट ऑन द पेपर। तो कौन देता है आउटपुट पेपर पे, प्रिंटर।
यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का है क्ल्यू दिया हुआ है, आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर साउंड, साउंड के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज होता है, स्पीकर। थर्ड नंबर का क्ल्यू हमें दिया गया है टू डिस्प्ले द रिजल्ट, रिजल्ट दिखाने के लिए कौन सा स्पेलिंग होगा फिर है, मॉनिटर। नेक्स्ट है टू गिव ग्राफिकल आउटपुट, ग्राफिकल आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता है, प्लॉटर। ये लास्ट बॉक्स जो है एक्स्ट्रा इसे कट कर देना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, पिक्चर को अपने नेम के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सेकंड पिक्चर जो है वो है लाइन प्रिंटर की। थर्ड पिक्चर जो है वो है इंकजेट प्रिंटर की। और लास्ट जो पिक्चर है वो किसकी है, ये जो है लेज़र प्रिंटर है। और लास्ट जो है इंकजेट प्रिंटर। याद रखना है फर्स्ट का आपने प्रेयर किया डॉट मैट्रिक्स, सेकंड का प्रेयर किया लाइन प्रिंटर, थर्ड का प्रिंटर किया लेज़र प्रिंटर और लास्ट का प्रिंटर किया इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ से सिलेक्ट करके फिल जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है द डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, रिजल्ट प्रोसेसिंग करने के लिए क्या कहा जाता है, आउटपुट। देखिए इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है हमारे सामने उसे कहा जाता है आउटपुट। सेकंड नंबर का है डैश इज एन आउटपुट डिवाइस विच डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। देखिए स्क्रीन पे आउटपुट किससे मिलता है, कीबोर्ड से, मॉनिटर से कि प्रिंटर से, मॉनिटर से। नेक्स्ट है हमारा द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द पेपर बाय द प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो आउटपुट हमें पेपर पे प्रिंट के हेल्प से पेपर पे मिलता है उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। माइक्रोफोन जो है अलग अलग साउंड रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प करता है, ना कि स्पीकर और ना ही प्रिंटर। फाइव नंबर का है प्लॉटर इज़ यूज टू डिस्प्ले लार्ज ग्राफिकल आउटपुट ऑन द पेपर। प्लॉटर जो है लार्ज ग्राफिकल आउटपुट के लिए यूज़ होता है, प्रिंटर नहीं होता है और ना ही मॉनिटर। सिक्स नंबर का है स्पीकर इज, स्पीकर ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ हेडफोन। स्पीकर कौन से फॉर्म में आता है, हेडफोन फॉर्म में भी आता है, जिसमें हमें विदाउट डिस्टर्बेंस म्यूजिक सुनना हो तो हम जो है हेडफोन स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट आउटपुट डिवाइस, अलग अलग जो आउटपुट डिवाइस है उसके आपको नाम लिखने हैं। देखिए फर्स्ट आउटपुट डिवाइस कौन सा लिखा है मैंने यहाँ पे, स्पीकर, देन प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्लॉटर। ये क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है। मोनो मॉनिटर्स विच डिस्प्ले द इमेजेस इन टू कलर आर कॉल्ड मोनोक्रोम मॉनिटर। जो मॉनिटर सिर्फ टू कलर्स में दिखाई देते हैं, कौन कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट में जो दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोक्रोम मॉनिटर। सेकंड क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स आपको बताने हैं। देखिए आंसर में लिखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। ये जो है अलग अलग प्रिंटर के टाइप है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है विथ स्किल शीट कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ये जो पेज है आपको कलर करने के लिए बोला गया था वो कलर करना है, देन ये फिल करना है। फिल करने के बाद आपको स्किल शीट में पूरा जो हाथ तक मैंने करवाया है वो सारा फिल करना है, देन जो आपको लास्ट पेज है फॉलो जो ऑप्शन दिए थे करेक्ट ऑप्शन लिखने के लिए और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको दो क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।